बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम वाला जिसने जान को पैदा किया और अकेले चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं उस कलर लगा रही और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इसे लगा रही के नाम से। आज मैं जा रहा हूँ सकरण, यानी हमारे इलाके से कल लिया तकरीबन 100 किलोमीटर लगभग। मैं अभी अड्डे पर खड़ा हूँ, ये बाकायदा अड्डा तो नहीं है, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं। मीरपुर से गाड़ी जाती है डायरेक्ट नवाबशाह, फिर सकरण बीच में आता है, तो वहाँ से उतरूँगा। ये देखते हैं कराची की गाड़ी खड़ी हुई है, तो लोकल गाड़ियाँ भी जाती है, यहाँ से डायरेक्ट भी जाती है हैदराबाद और कराची नवाबशाह के लिए गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, सारी यहाँ पे रुकती हैं। अड्डा बाकायदा से नहीं है और रुकती हैं कुछ देर के लिए अगर पैसेंजर हो तो। हाय गाइस, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू सकरण, अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई प्लेस, फॉर द कंडोलेंस ऑफ माई फ्रेंड्स ग्रांड मदर। सो इट मे टेक मी 2 आवर्स टू रीच देयर। अभी मैं अड्डे पर बैठा हूँ, देखते कितने टाइम निकालिए। 10:15 हुए हैं, अभी 10:30 बजे का टाइम, देखते किस टाइम आती है। तो देखिए सामने अगर आप कोच दिख रही है तो ये जाएगी मीरपुर घर पर इस्लाम कोर्ट, वहाँ से आगे घर ये कराची से डायरेक्ट आती जाती है। यहाँ पे भी ये भी अड्डा है, यहाँ पर खड़ी होती हैं गाड़ियाँ जो मीरपुर और उसके बाद आगे जाती हैं, कुछ मीरपुर तक जाती हैं हैदराबाद से कराची से, कुछ फिर आगे। ये देखिए अगर कोच आपको दिख रही है तो यहाँ पे ये देखिए अभी टाइम है 10:30, 10:30 का बोला था ये गाड़ी आएगी और अभी तो नहीं है, ये देखते हैं। अभी स्टार्टर किराया भी ले गया है तकरीबन 11:05 वो हैं, अभी तक तो गाड़ी नहीं आई, अब देखते हैं। बोला है कि बाईपास पे गाड़ी आ रही है, अभी बैठे हैं। मैं 11:10 बजे का पहुंच गया था इतना आधा घंटा पहले, बोला के वीडियो बनाऊंगा, अभी तो गाड़ी नहीं आई, देखते हैं 11 तक शायद आ जाए। देखते हैं क्योंकि आज संडे है, संडे पे फिर सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा सवारी नहीं होती, टाइम पे तो कोई चीज़ होती नहीं है। ये देखिए मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, ये गाड़ी तकरीबन खाली है, इतवार का दिन है। ये देखिए बस 4-5 बंदे हैं, ज़्यादा नहीं है बंदे, अभी ये लड़फड़ हो रही है। सैदाबाद टूल पहुँचे थे, रश्ति बहुत निकल चुके वहाँ से, अब देखते हैं इंशाल्लाह। मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है, वहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं पहुंचा हूँ अपने दोस्तों के पास, ये मेरे दोस्त देखे बैठे सारे, ये तो आपने पहले भी देखा है, ये भी आपने मेरे व्लॉग्स में देखे, दोस्त मेरा ताला, ये पीछे बैठा है मेरा भाई असगर खास के लिए, ये बंदा आपने व्लॉग में नहीं देखा होगा, ये नया बंदा है, ये स्पेशल हमने मंगाया है जी। ये मेरे दोस्त हैं, ये मैंने अपने पहले व्लॉग्स में देखे हैं, पहले नंबर पर ये बैठे बशीर अहमद खास के लिए, फिर अतोल्ला खोड़ो साहब, ये बहुत प्यारे दोस्त, उसके पास ही असगर खास के लिए, ये भी आपने मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे जब मैंने वो सिंधी में व्लॉग भरे थे मिट्टी गए थे। ये मेरा दोस्त है, ये भी बहुत हम बहुत वास्ता हमारा पुराना है, लियाकत अली खास के लिए साहब हैं ये, ये हम बैठे हैं असगर खास के लिए गुरताग पर। मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं सकरण गया था, तो वहाँ फिर हमने कचहरी की, ये गाड़ी मेरे दोस्त अताला खड़ो साहब की,
ये देखें, ये आपको ट्रकें दिख रही होंगी, ये दो ट्रकें हैं मेरे दोस्त के, उसने पाली हुई है, ये उसका भाई है मेरे दोस्त का जो आपने देखा गुजरा, ये देख रहे हैं आप ट्रकें, ये इन्होंने अंडे वगैरह शायद दिए थे मगर वो बच्चे भी, मगर वो दूसरा वो जानवर उनके खा गया, बच्चे भी मार गया। ये मेरे दोस्त की ये भैंसें हैं, ये शौक करता है भैंसों का, पालता है, बाड़ा है उसका अपना, ये 8-9-10 भैंसें हैं उसकी तकरीबन, ये सारा दिन ये बाहर होती हैं। अब सर्दियों में तो सारा दिन ही बाहर होंगी, फिर रात को ये अंदर करके इनकी अंदर करते हैं सफ़ाई वगैरह करके। ये मेरे दोस्त हैं, हम जब हैदराबाद में पढ़ता तो इसके फ्लैट में रहता था, ये सैफ़ अली खास के लिए, ये मेरे बड़े भाइयों जैसा है, ये भी मेरे टोपी पहन के उस पर तबसरा कर रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। ये मेरा दोस्त हम बैठक में बैठे हुए, ये मेरे सारे दोस्त हैं, ये गुलाम नबी हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये तो आपने वैसे ही देखे हैं, ये नया बंदा आप दिख रहा है आपको, ये वज़ीर अहमद खास के लिए, ये लाया था मेरा दोस्त सामान, बोला कि देखो कि ये सामान कैसा है, तो मैंने फिर ये सामान उसको देखा, मैंने बोला अभी मैं अपने जो दोस्त हैं उसको दिखाऊंगा, ये ओरिएंट का बल्ब है, तो उसको 20 रुपये मिला, बाकी आबिद के हैं कुछ की, ओरिएंट का बल्ब तो मैं नहीं चलाता, ये LCD वगैरह उसने अभी नया घर बनाया उसके लिए, बोला कि आप देखो, फिर अपने दोस्त को बताना क्या मेरे को सही मिली या नहीं ये सारा बिल। जी दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि अभी क्या इसमें कमी कोताहियां हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के आइकन को दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आखिर में दुआ के साथ, रब पाक हमें दुनिया और आखरत की सब नेमतें नसीब अता फरमाए, और क्या मैं सकते अपने नेमत का साया नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।